अच्छा आप सबको तो पता है कि फराज ट्रैवल कर रहा था बहुत ज्यादा, तो उसने बहुत ज्यादा चीजें मिस कर दी। और पीछे से चैनल मोनेटाइज हो गया, तुमने बताया नहीं मुझे यार। ये आपको हमारे स्पॉन्सर है, हम जब से हमें हमने स्पॉन्सर किया है, हमारे भाई हमें खरीद लिया गया, हमारी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बढ़ गई है, हमें एक्वायर कर लिया, एक्वायर कर बड़े एक एक बड़े कंपनी ने हमें खरीद लिया है। कि उन्होंने कहा यार आप कितने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, आपको आपको खरीद लेना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को खरीद लिया गया, तो अब हुआ यह है कि पीछे से बहुत ज्यादा तुम्हें पता है चीजें चेंज हो गई बोर्ड के अंदर, तो फराज ने सारा एक्शन मिस कर दिया। लेकिन हमारा एक रिपोर्टर था जो ऑन फील्ड हर वक्त मौजूद था, तो आज हमें उस पर फिल इन करेगा हमारा रिपोर्टर। हाँ भाई बताया तो क्या चल रहा है। बस यार अब कहते ना ऐसी चीजें हो गई हैं पीछे से कि अब कहते ना कि बताते हुए भी शर्म आ रही है कि पीछे से ही हो गई। हाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि जो पीसीबी ने जो है ना, पीसीबी ने अपने जो है जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है ना, उन्होंने पहले कहा यार एक पेज लेकर आओ, किसी जिन लड़कों के पास कोई काम नहीं है उनको पहले ले आओ, उनको पहले ले आओ, उनको काम देना है यार, बेरोजगारी खत्म करें ना, तुम्हें क्या मसला है। लेकिन उनको पहले काम देना अपने है, टैलेंट को प्रमोट। हाँ, अब देखो अब उन्होंने बनाई है सिलेक्शन कमेटी, अब सोचा आप सुन के आपको जो है ना बड़े लेजेंडरी प्लेयर शर्मिंदा भी हो जाएंगे और शासी भी है। तो खैर नंबर वन है हमारे कमरान अकमल साहब, जिनको पीएसएल में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है, उनको उन्होंने सिलेक्शन कमेटी का हेड बना दिया। कमरान अकमल को पीएसएल में सेलेक्ट नहीं किया था उन्होंने, नहीं अब तो कोच है भाई, वो कोच बन गए भाई वो। लेकिन पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जिनको मतलब वो इतने लो लेवल पे ले आए थे उसे। लास्ट ईयर वो कह रहा था मैं खेल रहा हूँ, उन्होंने कहा तू नहीं खेल रहा। नहीं वो कह रहे थे भाई अगर आप बेचारा दो साल रोता है ग्राउंड में खड़ा होकर, देखिए जी मेरी किट खेल खेल के लिए घिस गई है, मुझे सिलेक्ट नहीं कर सिलेक्ट, उन्होंने कहा तू सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना देते। नहीं नहीं अच्छा उसके अलावा चलो एक तो चलो कामरान अकमल तो मैं फिर बोलूंगा भाई बेहतर था इनमें से, उसके अलावा यासिर हमीद। ठीक है ना, अब यासिर हमीद किसी को याद है? एक जमाने में एक साल काफी अच्छा खेला था, और उसके बाद जो है ना उसको जो है ना बेचारा खाने पीने को नहीं मिला, उसको फारिग कर दिया। कमाल हो गया, वो कमजोर बैट्समैन था। ये तो इंसल्ट कर रहे हैं हमारी यासिर हमीद, वो भी बैट्समैन, ये भी बैट्समैन, बैट्समैन ही बैट्समैन यार। आपको बैटिंग बॉलिंग के लिए भी एक बंदा लाए, लेखे शोएब अख्तर नहीं है, ये वो बात है, ये वो बंदे हैं जिनकी अपनी सिलेक्शन मुश्किल से होती थी टीम में, अब ये लोगों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, एक जमाना था कि भाई एक कमरान अकमल, अदनान अकमल, उमर अकमल और उनके अच्छा अब्बा भी होते थे आसपास के, मीरा भी शायद नंबर आ जाए, वो भी पहुंचे हुए होते थे। उन्होंने तीनों लड़के टीम में, मुझे भी खिला लेंगे, मुझे भी शायद बैल को छोड़ने आता हो तो शायद मुझे भी बुला ले, कभी कोई इंजर हो जाए तो। अब अभी सोचे कि ऐसे बंदे को जिसने इतनी मतलब कहते ना कि मेरिट पे खेला है, उसको उन्होंने बना दिया है सिलेक्शन कमेटी का हेड। लेकिन इसमें एक बहुत क्रिटिकल बात है जो मिस कर रहे हैं, इन सारों को जो बंदा ओवरसी करेगा ना, जो आपका मेन आपका बंदा है, वो बेसिकली अपनी फुल टाइम नौकरी एक काउंटी लीग के साथ चलाएगा, और वो इतने आपका सस्ता बोर्ड है कि आप ये भी अफोर्ड नहीं करते कि वो बंदा वो काम छोड़ के इधर आ जाए और आपकी नेशनल क्रिकेट टीम के कहीं साथ वो रिमोटली तो नहीं, हमें अपनी वो रिमोटली भाई वो Zoom पे कोचिंग ऑब्वियसली इन्होंने डिसाइड किया कि हमें ऐसा वो बंदा चाहिए जो यू नो समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ऐसा ना हो कि पहले से आपने देखा हुआ है कि यार इस बंदे ने कोई खास हमारे लिए काम नहीं किया, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही बंदा जो पांच साल पहले था उसी बंदे को उन्होंने कहा कि तू इन पर्सन था तो तू ठीक नहीं था, लेकिन हो सकता है इंटरनेट पे तू सही काम कर। उनका नए गोरे को लाए करप्ट करने में टाइम लगता है, ये अपना पका पकाया है, इसको सारे खांचे पता है, इसको Zoom से ही ले लो भाई। क्रिकेट खेल रहे हैं, Zumba कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। ठीक है ना, इनका कोई परेशान हाल नहीं है भाई। मैं तो बोल रहा हूँ कि नजम शेट्टी साहब ने पिछली दफा तो चलो परफॉर्मेंस दे दी, नजम शेट्टी को नजम शेट्टी कहना चाहिए। हां भाई वो है ट्वीट करके फारिग है, आप फारिग हो गए। ठीक है ना,
इसी तरह जो है जो अपनी जो टीम लेकर आया वो जिसके अंदर आपके अपने अभी आपने सिलेक्शन कमेटी सुन ली, उसके अलावा अब आप देख लें कि वो ऑनलाइन कोचिंग लेकर आए हैं ठीक है, अभी वो आप कुछ दिन बाद और भी नई नई इनोवेशन लेकर हारून हारून रशीद होता है कि मम्मी होती है ना, मम्मी को बंद कर रखा होता है, निकाला है वैसे वैसे निकला है 15 साल बाद वैसे वैसे हारून रशीद मैनेजमेंट का डिसीजन है। और अब तुम देखो ना उसके वजह से कितने पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं ठीक है, मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट से बाहर आ गए, मोहम्मद आमिर कह रहा है मैं कमबैक करूंगा, शुएब मलिक कह रहे हैं मेरी फिटनेस 25 ईयर ओल्ड थी ठीक है, तो अब आपके पास ये बेसिकली आप 5 साल बैकवर्ड चलेंगे सारी मम्मी मम्मी टीम बन गई, नॉट ओनली 5 इयर्स बैकवर्ड्स आप बैकवर्ड्स एंड ऑनलाइन चलेंगे, मम्मीफाई हो गए सारे। आई भाई मुझे तो नहीं पता लेकिन इस वक्त आपके पास ओडीआई वर्ल्ड कप सर पे है ठीक है ना, आपने कहते ना कि इतना बड़ा ओवरहॉल ले आए ठीक है ना बोर्ड के अंदर, आई डोंट नो आई मीन मुझे तो लगता है कि भाई इसका कोई खास पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंसेज पे, बाबर आजम ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, इस पर हमने पहले एक वीडियो की थी, मेरा तो ये ख्याल है कि उसको ओडीआई कैप्टनसी से नहीं हटाएंगे लेकिन लाइकली वो T20 और टेस्ट से फारिग हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी कामरान अकमल का जो पहला बयान आया है वो यही आया है कि उसने एग्जाम्पल दिया है, कहते ना कि आप कहते ना कि एग्जाम्पल देने वाला बंदे की अपनी शक्ल भी देख लो, लेकिन यह कि बात यह उसने एग्जाम्पल दी ग्राम स्मिथ की, बड़ा ग्राम स्मिथ जो है वो उसने उसको यंग एज में कैप्टनसी मिली और उसकी परफॉर्मेंसेस कभी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई और कहा कि बाबर आजम को भी उसी तरह से करना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बेसिकली बात कहने का मकसद ये है कि भाई बाबर आजम इज़ अ ODI प्लेयर ऑफ द ईयर ठीक है ना, उसके अलावा फील्ड भी मिला हाँ और हाँ सर गार्फी सोबर अवार्ड मिला है, ये बंदा उसकी वजह से बहुत प्लेयर को मिला है, कैप्टनसी भी नहीं मिला लेकिन कैप्टनसी उसकी कंप्लीट अंडर प्रेशर है, क्योंकि भाई आप एट द एंड ऑफ द डे भाई आप शकीब उल हसन पिछले 10 साल से हर अवार्ड जीत रहा है, मतलब ठीक है ना ऑलराउंडर ऑफ द ईयर ऑलराउंडर रही है, लेकिन बांग्लादेश क्या कर रही है ODI के अंदर तो इतने गेम्स नहीं हारा, ग्रांटेड कि आपके बहुत सॉलिड गेम्स हुए, मैं भी खुश हूं कि मजलूमों की सिलेक्शन कमेटी है तो सारे जो मजलूम प्लेयर हैं ना उनको चांस मिले, सरकारी नौकरी तो किसे नहीं पसंद सरकारी नौकरी, यार ये नौकरी सरकारी नहीं है, मुझे तो ये लग रहा है कि ये ऐसे 3 बंदे उठा के लाए, उन्होंने बोलना है भाई नौकरी भी मिलती है, नहीं इन्होंने इन्होंने ये ऐसे बंदे लेकर आए कि ताकि डिसीजन मेकिंग जो है ना वो अपने हाथ में ही रहे, वो बात वही है बाद में किसी के सर पर मत बैठा, बात ये है कि भाई जीत गए तो हमने हम लाए इन बंदों को ठीक है ना, हार गए तो ये कितने गड़े हैं ठीक है, वो सारे फायर कर देंगे सो बेसिकली, लेकिन चलो अब एटलीस्ट आप होप ये कर दुआ ये कर सकते हो, होप तो पता नहीं आप क्या कर सकते हो, आप दुआ ये कर सकते हो कि अब इन्होंने बनाई दी है ये मजदूमों की एक इस पे कोई अल्लाह ही रहमत करे और थोड़ा सा आपकी परफॉर्मेंस अल्लाह ही रहमत करे 70 साल हमारे ऊपर, नहीं वैसे बारिश हो जानी है, अब अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया जिसको आप ही कहेंगे यार देखो देयर इज दिस डिसीजन आपने जो बंदे सेलेक्ट किया, अभी आफरीदी को लाए थे आप 2 हफ्ते के लिए लेकिन आफरीदी को कंटिन्यू करना चाहिए था, इट वॉज अ गुड डिसीजन एट दैट टाइम लगा, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल ही कहते ना कि आपने 180 मार दिया ठीक है ना, आफरीदी से आप आ गए कमरान अकमल यासिर हमीद और मोहम्मद समी पे, मुझे बात समझ में नहीं आ रही आपके पास लेजेंड्स गुजरे हैं जो कि बैठ के टीवी पे बैठ के बकवासे कर रहे हैं, भाई उन्होंने पूरा इंडिया का पेस अटैक बना दिया है आपके लिए ठीक है, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड का ठीक है, मतलब वसीम अकरम इज बेसिकली अ ग्लोबल कोच, वो हर जगह जा जाके कर रहा है, पीसीबी का उसके साथ सेटिंग नहीं हो पा रही वहां पे वसीम अकरम एक ऐसा बंदा है कि आप उसको सिर्फ एज अ स्पेशल एडवाइजर भी रख सकते हैं टीम में, जरूरी नहीं है कि आप उसे कोचिंग रोल दें, आप उसे बताएं कि भाई आपको सिर्फ फास्ट बॉलर के साथ काम करना है, पीसीबी को असल में अप्रोच करना नहीं आ रहा ठीक है ना, और हो सकता है कि वो ज्यादा डिमांड कर रहा हो इस वजह से भी, हमें जितने मिला के खा रहे हैं सारे तीतर मटे, इसमें चार रखे जो आपने तीन बंदे ले लिए इनकी जगह एक बंदे को रखा, मैंने ऐसे सुना है अभी तुम यासर अरफात की बात कर रहे थे, मैंने सुना यासर अरफात विल बी इन्वॉल्वड इन कहते ना कि कोचिंग सेटअप, उसने बड़े कोचिंग कोर्सेज वगैरह, मैंने सुना है कि उसने उसके पास कोई कहते ना लेवल 4 की कोचिंग है, मोस्ट क्वालिफाइड कोच है, सो द थिंग इज a lot of the time hame wo thodi chahiye hota hai, the best players are not the best coaches and that's true sometimes you have, main nahi keh raha, dekho baat ye ki aapne kehte na degreeyan le lene se aapki kehte na ki skill itni koi bahut zyada achhi nahi ho jati, you know yasir afad ke paas yakeenan wo aa gaya hai, matlab certificate zarur aa gaye hain lekin uski usne kabhi kisi team ke sath kaam nahi kiya, ha nahi wo to that's to be seen, but I still think yasir afad jahan tak mujhe yaad hai usne kuch matches hi khele pakistan ke liye, लेकिन he was a decent player, हाँ, he was a decent absolutely. player, he was not कि भाई आप कहते हैं यार वो सुपर स्टार था, लेकिन उसने काउंटी में बड़ा खेला है और ओवरसीज बहुत खेला है, I think उसको experience तो definitely है, वो limited skill का player था, उसने खेला अपना खत्म हो गया, आप maybe coaching में ही, I think जिस जमाने में यासिर अरफात था ना उस जमाने में पाकिस्तान के पास बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर था, बहुत ज्यादा talent था, अब्दुल रजाक था, शाहिद अफरीदी था, उसकी जगह नहीं बनती थी टीम में एज ऑलराउंडर, तो आई थिंक इस वजह से बेचारे का करियर थोड़ा सा नीचे ही रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इफ ही इज अ गुड कोच और उसने अपनी दैट्स ऑल इट मैटर्स, आप अपने ही बंदों को सर्किट के अंदर लेकर आए, हाँ ये जरूर बोलूंगा कि भाई हाउ
ऑनलाइन कोचिंग इज गोइंग टू अफेक्ट ये क्रिकेट होगा ये ज़ुम्बा होगा ये तो बाद में पता है वहां से कैमरा लगा के बैठा होगा बाबर 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 रन रन बाबर रन नहीं ये बाबर नहीं है ये तो कोई और है ये हो रहा होगा चलो भाई बाबर बाबर को शर्ट मिल गई मियां दाद की आवाज में बाबर को शर्ट मिल गई शर्ट उतारे घूम रहा था मैंने देखा था यार तो फिर शुरू होगा चलो भाई ओके मिलो